वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं यूके के एक और शहर को एक्सप्लोर करने, और हम आए हुए हैं बर्मिंघम में। और वहां का जो सबसे फेमस शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है बुल रिंग, हम वहां पे आए हुए हैं। यहां पे वो मॉल में शॉप्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, और मैं बड़ी यहां पे गहमा गहमी लगी हुई है। बहुत सारे लोग यहां पे आए हुए हैं, दुनिया के कोने कोने से पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, इंडियन, इंग्लिश, अफ्रीकन के। हम भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ख़रीदारी हो रही है, कौन कौन से शॉप्स हैं। तो अभी जो है हम बुल रिंग जो मार्केट है उसकी मेन जगह पर, और यहाँ पे पूरी सब्ज़ी की मार्केट है, तो हम भी यहाँ पे जाएंगे सब्ज़ी की मार्केट को विज़िट करने के। यहाँ पे मार्केट्स में सब्ज़ी कैसे रखी जाती है, इनके रेट्स क्या हैं, यहाँ पे हर रंग नस्ल हर कौम से आपको लोग मिलेंगे, कोई इसमें बात नहीं है। और ये जो चर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही पुरानी, और कहा जाता है कि बर्मिंघम की भी ये शान ये चर्च है। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, मौसम जो है वो आज बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है, और बादल है पूरे आसमान पे। जब हम वहाँ से निकले थे तो सर्दी नहीं थी और सूरज था, मगर अब जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं एक घंटे की ड्राइव के बाद तो हमें यहाँ पे मिला है। तो अभी भी हम जाते हैं मार्केट में, ये है सब्ज़ी की मार्केट और फ्रूट की मार्केट। अभी हम पहुँचे हैं सब्ज़ी की मार्केट में, और यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ी आपको मिलेगी, और वाक लग रहे हैं जैसे हमारे पास होते हैं, हर किस्म का फ्रूट वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ देख रहे हैं आपको भिंडी, टमाटर के भी बहुत सारे किस्म हैं, वो भी आपको मिलेंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। मगर ये ज़रूरी नहीं है, कपड़ा जो है यहाँ से अफगानी कपड़ा वो भी आपको मिलेगा। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको जो है हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ जो होगी ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास धनिए वगैरह वो भी आपके पास सारी चीज़ अवेलेबल होगी। और जैसे हमारे यहाँ वॉक लगता है कि भाई दो पाउंड या दस रुपये बीस रुपये, तो बिल्कुल ही वैसी ही चीज़ें हैं, हर किस्म का फ्रूट, हर किस्म की सब्ज़ी, मगर आपको उसकी क्वालिटी और उसकी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, उसके बगैर आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी भी है क्योंकि हमें बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी जानी है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल, मगर ये हमारे यहाँ साफ़ सुथरे हैं, धनिया वगैरह देखेंगे आप साफ़ सुथरे हैं, गाजर ये वो एवरीथिंग आपको मिलेगी। तो अभी जो है हम इसी बुल रिंग के जो मुख्तलिफ जगह हैं उसको हम घूम रहे हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, और यहाँ पे कुछ चर्च भी है, एक म्यूज़ियम भी है, और यहाँ से भी आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। सफाई बेहतरीन है, कचरा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ जगह पे जो है वो ये डस्टबिन भी पड़े हुए हैं, कचरा वगैरह हो तो आप फेंक सकते हैं। ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, ये तो मुझे चाइनीज़ लग रहा है, ये जैपनीज़ का है, यहाँ पर लिखा हुआ जैपनीज़ फूड है। हम जो है अभी सिटी सेंटर में मौजूद हैं, और मुख्तलिफ किस्म के दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो है कॉफ़ी शॉप्स हैं, बार्स हैं, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हम उधर ही घूम रहे हैं और आपको नज़र आएंगे, और स्टूडेंट्स आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे। और आपको पता है अभी टाइम जो हुआ है ये हुआ है 4:30। अच्छा, मुझे आवाज़ आप देख रहे हैं थोड़ा फूट रहेगी क्योंकि ये थोड़ी बिल्कुल चढ़ाई है, और हम चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। इस जगह का नाम बुल रिंग क्यों है, ये है वो बुल रिंग, यानी बुल यहाँ पे जो है स्टेचू उसका बनाया हुआ है, और इसी की वजह से इस पूरे इलाके को जो है बुल रिंग के नाम से, और ये सिटी सेंटर है ये बुल रिंग के नाम से देखा है। जो है ये तबलीग हो रही है कुरान शरीफ की, और यहाँ पे आपको सिक्का भी आपको देने के लिए है, और मुख्तलिफ जगह पे ये कुरान आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे सारा फ्री में आपको मिलेगा, जो भी आपको लिटरेचर यहाँ से लेना है, कुरान शरीफ लेना है, कुरान पाक लेना है सब आपको। और ये पानी भी जो है आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। अगर
ये इनकी जो है वो बना रहा है, और देखें बिल्कुल नेचुरल आपको लगे। वो दे सकता है, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं दे सकते, वो उसकी अपनी मर्जी पे। इस जगह पे ये कंसर्ट चल रहा है, ये लेडी जो है ये गा रही है, लोग यहाँ पे खड़े होकर उनका सुन भी रहे हैं, और किसी को अगर वो गाना अच्छा लगे तो उनको जो सिक्का 1-2 pound जो है या चांद, तो हर किसी को जाना पहचाना होगा। और ये एप्पल का जो है स्टोर है, और पूरे यूके में ये एक ही इसी कैटेगरी का होगा, यानी जहाँ पे भी होगा सेम कैटेगरी सेम बिल्डिंग होगी, और यहाँ पे आप हर किस्म के लैपटॉप्स मोबाइल सेल फोन जो भी चीज़ें होंगी सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। सॉल्टेड कैरामल हॉट चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, गर्म भी है, मौसम के हिसाब से ज़बरदस्त है। और हमने यहाँ से लिया होटल चॉकलेट से, इसका होटल का नाम थोड़ा डिफरेंट किया है क्योंकि अंदर जो भी चीज़ें हैं सारी चॉकलेट नुमा हैं। अगर किसी को गिफ्ट देना है या अगर किसी से गिफ्ट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। एक बार फिर मैं इसका एक और सिप ले लेता हूँ। लिटरली बिल्कुल अमेजिंग है, आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप इस इलाके में आते हैं तो यहाँ से आपको साल्टेड कैरामल हॉट चॉकलेट से ज़रूर ये ड्रिंक आपको पीनी चाहिए। क्या मुझे बताओ साल्टेड कैरामल कैसे लगा? प्रीमियम की लाइब्रेरी है, और ये मुझे तो लग रहा है 2-3 floor पे मुश्तमिल है। और ये सारी लाइब्रेरी यहाँ पे हर किस्म के बुक्स वगैरह आपको मिलेंगे, और इसका जो पूरा पोर्शन है वो अंडरग्राउंड भी है, आप यहाँ पे भी बैठ के आप अपने बुक्स वगैरह को जो है एंजॉय कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बुक्स लिटरेचर के हों, ये लिटरेचर के हों एजुकेशन के हों सारे हैं, और हल्का फुल्का जो है यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के टेबल टेनिस नुमा वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कंपटीशन हुआ था और जिसमें जो मुजस्मा साज है सबने पार्टिसिपेट किया, तो ये दो सिस्टर्स थी 2014 में सिलेक्ट हुई थी, और इनकी यहाँ पे मुजस्मा साज ने बनाया, और इसको मेन सिटी सेंटर पे जो है नस्ब किया हुआ है। के साथ साथ अगर देखते हैं तो स्केटर्स जो लड़कियाँ या लड़के हैं स्केटर्स यहाँ पे सीख भी रहे हैं, एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं। ट्रेनिंग की सर्दी नहीं थी, मगर अभी जो है वो सर्दी का टेम्परेचर तो 11°C है, मगर हवा की वजह से हमें सर्दी महसूस हो रही है, और सर्दी जो है वो ज़्यादा लग रही है। और हमने खाना वगैरह अभी यहाँ पर खा लिया, क्योंकि खाना जो है हम घर से कुछ लेके आए थे, तो वो रिफ़्रेशमेंट हमने यहाँ पर कर ली है, क्योंकि 5-6 बजे के बाद सारी शॉप्स दुकानें सारी बंद हो जाती हैं।